सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। बहुत ही सुहाना मौसम है और इसी के साथ हम आपके पास पेश करते हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो हमेशा की तरह। तो आज की वीडियो है भाई एज पर द टाइटल हाईएस्ट पेइंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो जॉब्स रिलेटेड वीडियोस हमने पहले भी डाली हैं, हमने 2020 में भी डाली थी, इसमें हमने एवरेज जॉब्स बताई थी कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं ऑस्ट्रेलिया आके। रिसेंटली हमने एक और वीडियो डाली थी जो कि काफ़ी बढ़िया पसंद आई थी लोगों को, उसमें हमने सेम चीज़ बताई थी कि आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से। बट आज की वीडियो भाई स्पेसिफिकली फोकस्ड है हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के ऊपर। अब भाई जब स्टूडेंट्स आते हैं तो हर बंदा वो एवरेज जॉब्स नहीं करना चाहता, उनको कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। कई कई बंदों का टारगेट ये होता है कि उन्होंने फीस निकालनी है, बहुत सारे खर्चे जो भी है उसके लिए वो प्रेफर करते हैं कि हमें एक हाईली पेड जॉब मिले। तो आज की जॉब्स हम जो तुम्हें बताएंगे मोस्टली कैजुअल जॉब्स हैं, क्योंकि हम मतलब एक्चुअली फुल टाइम और पार्ट टाइम में बात कर सकते हैं, बट वो जॉब्स जो अल्टीमेटली बंदा तब करता है जब उसकी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाती है, वो अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ रहा होता है। ठीक है, तो आज का डिस्क्लेमर यही है कि ये फुल टाइम जॉब्स नहीं है, दीज आर ओनली कैजुअल जॉब्स जो आप एज अ स्टूडेंट कर सकते हो। और ये जॉब्स भाई काफ़ी बढ़िया हैं और ये जॉब्स ईजी नहीं है ढूंढना, बट एक बार आपको मिल जाए तो ऐसी जॉब्स है जो आप ना लॉन्ग टर्म कर सकते हो और पे तो ऑब्वियसली अच्छा है ही। तो अगर आप पैसे के भूखे हो तो ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि हमने 7 जॉब्स ऐसे निकाली हैं जो आप कर सकते हो यहाँ पे आके अपनी स्टूडेंट लाइफ पे, जो आपको बहुत ही बढ़िया माल देंगे। पार्थ ने तो बताया, आपको बता दिया पूरा इंट्रो कि क्या क्या बताने वाले हैं वीडियो में। अब मैं आपको थोड़ा सा भाई और डिटेल बता दूं कि जितने भी हमने पास वीडियोस डाली हुई हैं वो हैं भाई जॉब्स ऐसी जो स्टूडेंट्स आके बहुत इजीली मिल जाती हैं, सारे के सारे वो करने लग जाते हैं। बट आज जो वीडियो है वो है हाई पेइंग जॉब्स। अब हाई पेइंग जॉब है तो भाई इसका मतलब ये नहीं भाई किसी को भी मिल जाएगी। हर एक जॉब के लिए भाई कुछ कुछ जॉब्स में तुम्हें सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, किसी जॉब के लिए तुम्हें पर्टिकुलर एक लाइसेंस होना चाहिए, और कुछ कुछ जॉब्स में भाई तुम्हारा होता है इंटरव्यू जिसमें तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी जज हो जाती है। तो हाई पेइंग जॉब भाई तभी मिलेगी जब तुम ये सारी चीज़ें कुछ क्रैक कर लोगे, इनमें से कोई एक आइटम होगा। सेकंड चीज़, इस वीडियो में भाई हर एक जॉब के बारे में बताएंगे आप उसको ले कैसे सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है, कितना पे है उनका और इनकी अवेलेबिलिटी है कैसी। एक और मकसद भाई इस वीडियो को डालने का हमारा ये था कि पिछले एक दो वीक में पार्ट तो मैं जितनी बार भी भाई हम बाहर घूमने फिरने गए हमें बहुत लोग मिले, तो हर बंदे का भाई यही क्वेश्चन था कि भाई मेरे को जॉब तो मिल गई बट मेरी ना उतनी स्टैगनेंट इनकम नहीं है, उतनी फिक्स इनकम नहीं है। तो हमने लोगों से पूछा कि भाई तुम जॉब के आगे कर रहे हो, तो हर बंदे ने बताया कि भाई मैं ऊबर चला रहा हूँ, मेरी ये जॉब चल रही है। तो भाई हमने उनको वही एडवाइस दी जो हम इतनी वीडियोस में देते आए हैं कि ऊबर को हमेशा अपनी सेकेंड या थर्ड जॉब रखा करो, ऊबर तुम्हारी प्रायोरिटी जॉब नहीं है क्योंकि उसकी कभी फिक्स इनकम हो ही नहीं सकती, आप खुद ही चेक कर लेना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि भाई एक दिन में अगर तुम्हारे कुछ दिन 200 हो गए तो शायद अगले दिन तुम्हारे 150 या फिर अगले दिन तुम्हारे 300 हो, तो उसकी फिक्स इनकम है ही नहीं। तो ये जो जॉब्स हम बताएंगे उन्हीं पे फोकस करना एंड शुरू करते हैं वीडियो, और ध्यान से नोट करते जाओ भाई पेंसिल और पेपर को लेके। तो भाई हमारी लिस्ट अगर हम नीचे ऑर्डर से मैं स्टार्ट करूंगा तो 7वें नंबर पे आती है सिक्योरिटी जॉब। अब आप ये लोग सोच रहे हो कि हमने पुरानी वीडियोस में भी सिक्योरिटी जॉब को बता रखा है, तो ये एवरेज जॉब है बट भाई वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब भी है, स्टिल हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पे। तो सिक्योरिटी जॉब की बात करूं तो भाई इसका पूरा प्रोसेस के लिए आपके पास होना चाहिए सिक्योरिटी लाइसेंस विच इज सर्टिफिकेट 2। उसका 14 दिन की इनका पूरा कोर्स होता है जिसकी रफली अराउंड फीस होती है $1,000 से लेके $1,100। फिर आपको इनका एक प्रॉपर टेस्ट पास करना पड़ता है, वो उसकी कॉस्ट होती है $500 से $600। तो रफली अगर आप लेके चलो भाई $1,500-$1,600 का इसका पूरा खर्चा है, बट अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो विद इन आपकी 2 वीक्स के अंदर आप पूरा पैसा कर सकते हो वापस अपना, क्योंकि इसका पे रेट $25 से लेके $30 के बीच में रहता है वीकडेज में। अगर आप वीकेंड्स पे कर रहे हो तो भाई आपका रेट बढ़ सकता है, ओवर टाइम कर रहे हो तो भी आपका रेट उससे बढ़ सकता है, और अगर आप भाई नाइट रेट पे कर रहे हो जैसे जिन बंदों की शिफ्ट भाई रात को 7 बजे या 6 बजे से स्टार्ट होती है टिल रात तक या मॉर्निंग तक, उनका भी अलग रेट पे रेट होता है, स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है तो इसको भी कंसिडर करना। सो गाइस नंबर 6 पे जो हमारी जॉब है जो काफ़ी लोग डिस्कस नहीं भी करते एंड आधे से ज़्यादा लोग अनअवेयर होते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन जॉब्स। ठीक है, तो बाकी सिटीज़ की बात बाद में करेंगे, पर्थ में भाई हर जगह कोई ना कोई इमारत बन रही है, तो अगर आप जॉब अवेलेबिलिटी की बात करो तो जॉब्स तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए भाई आपको बकायदा ट्रेनिंग मिलती है, और वो ट्रेनिंग आपको तभी मिलती है जब आप उसका एक वाइट कार्ड लाइसेंस ले लेते हो, जिसकी फीस रफली अराउंड $150 to $200 होती है डिपेंडिंग आप अपना ट्रेनिंग जहाँ से मर्जी करो। तो एक बार आपके पास लाइसेंस आ गया देन दे गिव यू ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आई थिंक 2 या 3 वीक्स की होती है, उसके बाद आप एज अ लेबर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एक्सेसिबल होते हो, आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जॉब हर बंदा प्रीफर नहीं करता, क्योंकि पहली बात तो हैवी लिफ्टिंग बहुत होती है, जिनकी कमर कमज़ोर होती है वो ज़्यादा ये प्रीफर नहीं करते, एंड बेसिकली फिजिकल वर्क काफ़ी है, बट बिकॉज ये फिजिकल वर्क काफ़ी इन्वॉल्व है इसमें इसके लिए रिवॉर्ड्स भी उतने ज़्यादा ही हैं। इसकी पे रेट रफली बिटवीन $28 to $32 होती है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन वीकडेज। एंड एक प्लस पॉइंट तो कंस्ट्रक्शन जॉब्स का ये है कि मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट्स दिन में एक्टिव होती हैं,
तो आपका काम मे भी सुबह जल्दी स्टार्ट होगा और दोपहर तक आप फिनिश भी हो जाओगे। सो दैट डिपेंड्स कि आपकी साइट कौन सी है, बट दिस इज अनदर जॉब जो काफ़ी लोग नहीं करते। बट अगर आपको लगता है फिजिकल काम कर सकते हो एंड यू आर इनटू दिस लाइन, प्लीज़ गो फॉर इट। तो भाई आप जो फिफ्थ नंबर पे हमारी लिस्ट में जो जॉब, वो एक ऐसी हिडन जॉब है जितने भाई आधे से आधे स्टूडेंट्स को तो भाई पता ही नहीं है। सबको ऊबर के बारे में पता है, सबको ट्रक जॉब्स के बारे में पता है, बट फोक लिफ्ट जॉब के बारे में भाई आधे से आधे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द हाईस्ट पेइंग जॉब है। अगर आप बड़ी अंडर द रेडार चली जाती है, बड़ी अंडर द रेडार रहती है, ठीक है। तो आप पहले तो इसको बता दें भाई, फोकलिफ्ट का एक्चुअली काम होता क्या है। आप पर्थ में भाई वन ऑफ द मोस्ट काम होता है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक माने मतलब ट्रैवल, सामान लेके आना, सामान एक जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, जो ट्रक वाले लोग जानते हैं। बट ट्रक में भाई सामान लोड करते कैसे हैं, फोकलिफ्ट के थ्रू तो होता है। तो फोकलिफ्ट भाई ट्रक में सामान लोड करने के लिए यूज होते हैं, या फिर जितने इनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं उसके अंदर सामान मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या पैलेट खड़े करना, फोकलिफ्ट में आपका काम होता है ये। सेकंड चीज़ कि भाई फोकलिफ्ट का प्रोसेस है क्या। फोकलिफ्ट के लिए आपके पास सबसे पहली बात तो ऑस्ट्रेलियन का लाइसेंस होना चाहिए और एक फोकलिफ्ट सर्टिफिकेट या फोकलिफ्ट लाइसेंस जो इनके ये बोलते हैं, उसका चार्ज आता है भाई आपका कुछ अराउंड $1500 से $1600 का और एक महीने की होती है ट्रेनिंग। मगर आपने जैसी ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आपके पास लाइसेंस आ गया, जॉब अवेलेबिलिटी भाई बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिक का काम तो लाइक आसमान छू चुका है लेवल पे है। तो यहाँ पे जॉब्स आसानी से मिल जाती है फोकलिफ्ट की, बस एज लॉन्ग आपके पास सर्टिफिकेट और रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास हो गया। अगर आपने और इसमें भाई जॉब आपके लिए करंट तो मिलेगी, बट इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास फोकलिफ्ट में एक्सपीरियंस होता चले जाएगा आपका रेट बढ़ता चला जाता है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर आपको जस्ट इन केस माइनिंग में जॉब मिल गई तो उसमें तो आप पैसे इतना छाप लो कि मैं बता ही नहीं सकता, बता ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, बता ही नहीं पाऊंगा, रेट ही नहीं बता सकता मैं। चलो एवरेज रेट की बात करते हैं। रेट भाई कुछ लेके चलो आपको 45 के अराउंड पड़ जाता है अगर आपको माइनिंग में जॉब मिल गई फोकलिफ्ट में विद एक्सपीरियंस। सो ये एक जॉब है जो बिल्कुल कंसिडर करना जो भी नए स्टूडेंट्स आएंगे या फिर जो यहाँ पे ऑलरेडी आ रखे हैं, कीप इन माइंड। सो भाई नंबर चार पे जो हमारी लिस्ट में जॉब है वो है एक होटल रिसेप्शनिस्ट की। अब होटल रिसेप्शनिस्ट मैंने एक ब्रॉड आपको टर्म बताई, बट कोई भी रिसेप्शनिस्ट हो ये बेसिकली उस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस जॉब के लिए भाई आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इस जॉब के लिए जो भी गूदा है वो आपके अंदर होना चाहिए तभी आपको वो जॉब मिलेगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है भाई पर्सनालिटी, ठीक है। अब पर्सनालिटी में सिर्फ आपका अपीयरेंस तो देखो आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ आपकी भाई प्रोफिशिएंसी जो इंग्लिश की होती है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लाइक कहीं तो हमने देखे हैं जिसमें रिज्यूमेस में वो कहते हैं कि अपना इंग्लिश का स्कोर भी साथ में डालो, तो टोफल आइल्स पीटी जो भी आपने दिया उसमें अगर आपका 7 से कम स्कोर है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसमें ये क्या है कि क्योंकि आप होटल रिसेप्शन पे होते हो, आप एक होटल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आपकी पर्सनालिटी इज बेसिकली द होटल्स पर्सनालिटी। तो आपको अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना आना चाहिए, आपको कस्टमर से बात करने आनी चाहिए, आपको बेसिकली कस्टमर सर्विस आनी चाहिए, और ये तभी आएगी जब आपके पास वो पर्सनालिटी होगी या फिर आप एक एंथुजियास्टिक बंदे हो जो एक एक्सट्रोवर्ट और आपको लोगों से बात करना पसंद है। तो ये जॉब काफ़ी लोग नोटिस करते हैं, लाइक नोटिस नहीं करते, बट हम जब भी अगर हम साइट्स खोलेंगे जॉब की अवेलेबिलिटी के सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबिलिटी इस चीज़ की होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम होटल रिसेप्शनिस्ट जो कि एजेंसीज होती हैं, एजेंसीज में भी इनको टेलर्स चाहिए होते हैं, क्लर्क चाहिए होते हैं, तो सेम जॉब प्रोफाइल उसके लिए भी सूट होती है। एंड इनका रेट काफ़ी अच्छा होता है। अब एग्जैक्ट रेट की बात करो तो इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन $28 to $32 ऑन वीकडेज। एंड भाई ऑस्ट्रेलिया में यही सीन है, वीकेंड्स का अलग रेट होता है, संडे का अलग रेट होता है, पब्लिक हॉलीडे का तो अलग ही रेट होता है, ठीक है। तो भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया और आपकी प्रोफिशिएंसी सही है एंड यू थिंक यू कैन कैरी योरसेल्फ, प्लीज़ गो फॉर दिस जॉब। एंड भाई ये जॉब कभी ना मेरे को पर्सनली आइडिया नहीं था जब तक हमने खुद जॉब नहीं की। तो आज से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है, हमने एक टैब में जो काम किया था, टैब इज़ बेसिकली टोटलाइजर एजेंसी बोर्ड, यहाँ पे एक बेटिंग एजेंसी बहुत बड़ी। तो 6 महीने मैंने काम किया, 6 महीने ने कितना भी काम किया, तो वहाँ से मेरे को इस जॉब के बारे में थोड़ी इनसाइट्स पता लगी कि इसमें क्या काम होता है। तो बेसिकली हमारा कैशियर वाला काम था, लोग आते थे, बेट लगाते थे, पैसे देते थे, हम उनको चेंज वापस देते थे। तो 6 to 7 months हमने काम किया। मैं सैटरडे काम करता था मोस्टली इन द मॉर्निंग, मेरा रेट अराउंड 36 था आफ्टर टैक्स, और अनिकेत भाई संडे को काम करते थे, इनका रेट भाई 52 का था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसमें रेट कितना ज़्यादा होता है, आप कम घंटे डाल के डबल या ट्रिपल कैश कमा सकते हो। तो भाई अगर आपको ऐसी जॉब करनी है, लाइक इफ़ यू थिंक यू आर फिट फॉर दिस जॉब, हमें कमेंट कर देना या फिर हमें DM कर देना, हमारा एक कॉन्टैक्ट है इस जॉब के अंदर एंड वी कैन रिकमेंड यू फॉर दैट। सो या लेट्स सी भाई, अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट टॉप 3 जॉब्स में, लाइक टॉप फाइनल काउंटडाउन, ठीक है। तो भाई टॉप 3 जॉब मतलब हमारे जो थर्ड नंबर पे आती है जो जॉब वो है बारटेंडिंग / बरिस्ता, मतलब हमारी जॉब। मैं इस जॉब के बारे में भाई बाद में बात करूँगा कैसे मिलती है ये सब, मैं पहले हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूँगा। पार तो मेरे को भाई इस जॉब को करते हुए 2 साल हो गए हैं, एंड टिल डेट फन हमारा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जब भी जॉब पे जाते भाई एक एक्साइटमेंट होती है कि यार जॉब पे जा रहे हैं हम, इस जॉब के लिए हमेशा फन रहता है, और आई डोंट थिंक हम नियर फ्यूचर में छोड़ेंगे भी जॉब ये।
बस वन ऑफ द मोस्ट लविंग जॉब है हमारे साइड से। अब आप इसको बात करो भाई, इस जॉब में भाई इंडियंस हमें बहुत दिखते हैं, बहुत कम इंडियंस नहीं लाइक इन शॉर्ट लेके चलो भाई, साउथ एशियन की कोई से भी कंट्री के बंदे होते हैं बहुत रेयर दिखते हैं। उसके पीछे भी भाई दो या तीन बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। पहली बात भाई, एक्सेंट का बहुत मेजर रोल इसमें फ़र्क पड़ता है। आप मान लो एक बार पे हो, 10 बंदे आपके सामने में खड़े हो जिनको भाई फटाक से ड्रिंक चाहिए, ऑर्डर लेना है, बैकग्राउंड में चल रहा है एकदम फुल लाउड म्यूजिक विद बेस तो आपकी जो है हेयरिंग और लिसनिंग भाई बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। किसी एक बंदे ने आपको एक ड्रिंक बोली, बहुत सिंपल सी ड्रिंक बोली एक लाइन के अंदर, आप समझ नहीं पाए, बोल दो है व्हाट कैन रिपीट, उसी में भाई ब्रांड भी खराब हो रही है, आपका काम का लेवल भी दिख जाता है कि ये बंदा समझ ही नहीं पा रहा ड्रिंक तो मनाएगा कैसे। तो आपको एक सेकंड के अंदर सुनना होता, दो सेकंड के अंदर ड्रिंक रेडी करके खत्म करना होता ताकि फटाक से बंदे को निकालो, नेक्स्ट बुलाओ। अब बात करते हैं इस प्रोसेस के बारे में। तो जैसे कि भाई हमने बहुत और बता रखा है, इस जॉब के लिए आपको चाहिए होता आर एस ए, और मेरी नज़र में मान के चलो भाई आर एस ए एक नाम बराबर सर्टिफिकेट है, क्योंकि उसमें आपको एक दिन का कोर्स होता है, एक दिन के अंदर 2 घंटे की पढ़ाई, 2 घंटे के अंदर आपका हो गया टेस्ट, सेम डे आपको मिल जाता सर्टिफिकेट। बट उस सर्टिफिकेट में आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो दे देंगे भाई, जिगर क्या है, पोरर क्या है, ये ड्रिंक कैसे बनती है, बट जब तक आप खुद कुछ मनाओगे नहीं या फिर आपको खुद पहले की कोई प्रायर नॉलेज होगी नहीं तो भाई कैसे कर लोगे। यहाँ पे हमें बंदे पूछते रहते हैं भाई मैंने आर एस ए का सर्टिफिकेट कर ले, जॉब नहीं मिल रही। नहीं मिलेगी भाई इजिली, बहुत टफ चीज़ चाहिए होती है, इसमें पर्सनैलिटी भी चाहिए होती है। पार तो मैं इंडिया में भाई बहुत क्लबिंग करते थे, इसलिए हमें स्पिरिट्स नॉलेज से लेके कॉकटेल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, तो जब हम आए हमें लेकर कोई बड़ा टास्क रहा नहीं था ये। फिर भी जब हमारा इंटरव्यू हुआ उसमें भी हमारे 2 फैक्टर रहे थे। पहली फैक्टर कि भाई वहाँ पे बॉर्डर बंद हो रखे थे तो इनको स्टाफ की नीड थी, लोग थे नहीं, वो हमारे लिए एक एडवांटेज गया। सेकंड चीज़ हमारा इंटरव्यू होता, हमने इंटरव्यू काफ़ी अच्छे लेवल पे क्रैक करा ताकि नेक्स्ट वीक ही हमें आ गया था भाई, नेक्स्ट डे ही आ गया था हमें कि आप ज्वाइन कर सकते हो, और सेम वीक हमारी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी काम की। इसका पे रेट हम वैसे 100 बार बता चुके हैं, मैं फिर भी बता दूंगा, ऑन फ्राइडे भाई आपको 28 से लेके $33 के अराउंड मिल जाता, नाइट रेट का अलग चार्ज लगता 12 बजे के बाद। सैटरडे को भाई आपका 32 से लेके 35 रेट रहता है, एंड संडे को तो भाई फट जाता ब्रेड, और नाइट रेट अलग, नाइट रेट अलग। और इसमें भी भाई आपके लेवल होते हैं, अगर आप बेसिक लेवल पे काम कर रहे हो तो रेट अलग, अगर आप बार पे रेट काम कर रहे हो तो उस पर $1 का फ्लक्चुएट आता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में सुपरवाइजर बन जाते हो तो अलग, और अगर आप किचन में भी काम करो क्योंकि बाहर हमारे जो क्लब के अंदर किचन भी है तो उसका भी रेट अलग है, तो रेट में भाई फ्लक्चुएशन आती जाती है, कम नहीं होता, हमने तो आपको बेस रेट बताया, बट अगर आप बढ़ते चले जाओ एक्सपीरियंस आ जाए तो रेट और पैसा भर दोगे भाई अपने पॉकेट में। और भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पार तो मैंने तो लाइक 2 साल से नोटिस कर रहे हैं और वो चेंज नहीं हुई है, इस फील्ड में कोई नहीं दिखता हमारे अलावा, इंडियंस तो भाई मैंने बहुत रेयर ही देखे हैं, मुझे सिर्फ पार दिखता है इस फील्ड में, क्योंकि भाई इसके रीज़न है कि जो लोग जो यहाँ के जितने भी क्लब्स और पब्स हैं भाई मोस्टली वाइट ओन्ड हैं, लाइक रेसिस्ट नहीं बोलूँगा बट जितने गोरे लोग ही भाई इनके क्लब्स और वो हैं पब्स, तो वो प्रेफर करते हैं कि गोरा ही बंदा है जिसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छे लेवल पे हो, जो हमारी एक्सेंट एक बार में समझ पाए। इस चीज़ को भी भाई बहुत कंसिडर करना, अगर आपकी पर्सनैलिटी उस लेवल की है या फिर आपको लगता है कि आप इन लोग की एक्सेंट बहुत अच्छे समझ सकते हैं या फिर आपकी इंग्लिश बहुत टॉप लेवल की है तभी इस जॉब के अंडर अप्लाई करना। ये नहीं कि बस आप आर एस ए कोर्स में अपने खर्चा तो कर ले $100-150 का, फिर सर्टिफिकेट ले घूम रहे जॉब मिल नहीं रही, तो हर एक चीज़ पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए उसके बाद ही अप्लाई करना इस जॉब के लिए। सो भाई हमारा टॉप 3 काउंटडाउन में नंबर 2 पर जो जॉब आते हैं भाई वो नेचुरली ट्रक की जॉब्स। आई एम प्रीटी श्योर तुमने पिछली वीडियो देखी होगी और तुम्हें आइडिया लगाओगे कि ट्रक की जॉब्स होती कैसी हैं, क्या क्या सीन होता है उसका, तो ज़्यादा उसमें नहीं घुसेंगे। बट ट्रक का जो पेरेट होता है वो पेरेट से पहले बात करते हैं ट्रक जॉब्स की अवेलेबिलिटी की, ठीक है। तो पर्थ में खासकर भाई एयरपोर्ट के पास तुम जाओगे कम से कम तुम्हें ना 50 वेयरहाउस मिलेंगे, और अनइमेजिनेबली बिग वेयरहाउस होते हैं जिसमें मतलब रोड ट्रेन पार्क हो जाए इतने बड़े वेयरहाउस, एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम 20-20 ट्रक निकलते हैं हर वेयरहाउस से। और ये तो सिर्फ मैं भी एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप रीजनल में जाओगे सबर्ब में जाओगे तो मतलब समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो भाई बात ऐसी है कि पे रेट फ्लक्चुएट करता है कि आप किस साइज़ का ट्रक चला रहे हो। तो मैं जैसे अगर मैं एक स्मॉल ट्रक चला रहा हूँ विच इज़ अंडर 3 टन्स, तो उसका रेट मेरे को अराउंड $30-32 मिलता है वीकडेज पे, वीकेंड्स का अलग होता है और संडे का अलग होता है, पब्लिक हॉलीडेज पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मीडियम ट्रक चला रहे हो अतरी बाई टाइप जिसमें आप 3 या 4 पायलट स्टोर कर सकते हो, उसका रेट अराउंड 44-45 मिलता है आपको। अगर आप बड़े ट्रक चला रहे हो जिसको हम एक्चुअली रोड ट्रेन तो नहीं कहते बट 12 पैलेट ट्रक होता है जिसमें आप 12 पैलेट एट अ टाइम रख सकते हो, काफ़ी बड़े ट्रेलर होते हैं उसमें, उसका रेट 52 से स्टार्ट होता है वीकडेज का, तो वीकेंड्स का और ज़्यादा होगा नेचुरली। और भाई अगर आप रोड ट्रेन चला रहे हो जो बेसिकली माइनिंग साइट्स से इंटर स्टेट जाती हैं, उनका रेट $67 होता है पर डे का, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएट कर सकता है कि आपकी एजेंसी कौन सी और किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप काम कर रहे हो। भाई ट्रक का काम मिलता कैसे है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, लाइक काफ़ी डिटेल्ड है वो, इतना ब्रीफ भी नहीं है, बट इस वीडियो के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आपको चाहिए ट्रक लाइसेंस, ठीक है। तो
तो अगर आपका ट्रक छोटा है, अंडर 3 टन है, अंडर 4 टन है, तो आप कार लाइसेंस पे भी ट्रक चला सकते हो, बट वो कार लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया का होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। उनको भरोसा होना चाहिए कि भाई ये बंदा 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में कार चला रहा है तो ट्रक भी चला सकता है। अगर आपको बड़ा ट्रक चलाना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए और प्लस लर्नर्स परमिट होना चाहिए HR का, HR इज हैवी रिजिड ट्रक लाइसेंस। वो जब आप 2 साल तक होल्ड कर लोगे तब आपके पास एक आएगा फुल लाइसेंस ट्रक का, उसके बाद आप बड़े ट्रक चलाने के लिए ऑथराइज होते हो। तो भाई ट्रक चलाना वैसे इतना टफ काम नहीं है, मुझे पर्सनली ट्रक ईजी लगता है कार से चलाना, बट क्योंकि मैंने बड़ी रिग्स अभी नहीं चलाई है तो मैं एक्चुअली कमेंट नहीं कर सकता उस चीज़ पर, बट जैसे ये लोग ने काफ़ी ट्रेनिंग कर चुके हैं तो मुझे कह रहे थे कि इट्स अ बिट टफ, काफ़ी ट्रेनिंग से ही होती है क्योंकि आपके पास रियर व्यू मिरर नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़ है, आपको साइड के मिरर्स देख के पूरा मैनूवर करना होता है। तो ये वीडियो किसी, मतलब ये चीज़ किसी और वीडियो के लिए छोड़ते हैं, बट आपको अगर इन डेप्थ डिटेल्स चाहिए हो ट्रक के बारे में तो भाई प्रीवियस वीडियो चेकआउट जरूर कर लेता हूँ। एंड भाई क्योंकि पिछली वीडियो मैंने डाली थी अपने ट्रक के काम पर, इवन तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई एक बार एक व्लॉग बनाओ अपने ट्रक में जाके, लाइक प्रॉपर जो होता है ना कि दिन का रूटीन कैसा है, तो भाई अगर तुम्हें वो व्लॉग चाहिए तो मैं बिल्कुल बनाने को रेडी हूँ, बट इस वीडियो के नीचे ना आग लगी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि मतलब वाइल्ड फायर फैली हुई है, ठीक है, तो वो भी बनाते हैं जल्द। भाई अब बात करने वाले नंबर 1 जॉब की, जिसका लाइक आप बेसब्री से पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रहे थे। तो जो हम नंबर 1 पे जॉब है जिसके बारे में भाई किसी स्टूडेंट्स को आइडिया होता ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं मेरे को, लिटरली ना अभी तक टिल डेट इंडियन में सिर्फ 5 बंदे दिखे हैं यानी जॉब करते हुए, उनमें से हमारा लकली एक हमारा फ्रेंड था जो हमारे साथ काम करता था, उसकी बात मैं 1 मिनट बाद बताऊँगा। 1 मिनट के अंदर पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जॉब होती क्या है, पे रेट कितना मिलता है और इसमें काम करना पड़ता क्या है। यूनी रिप्रेजेंटेटिव, भाई जैसे नाम से पता चल रहा है कि आप यूनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यूनी के अंदर काम कर रहे होते हो। यूनी के अंदर काम भाई बहुत टाइप के हो सकते हैं, ये नहीं कि यूनी के अंदर जो कैफे उसके अंदर काम करो, नहीं, डैट्स अ सेपरेट थिंग। यूनी के अंदर अगर आप मान लो किसी बंदे को ट्यूट कर रहे हो, लाइक ग्रुप ऑफ क्लास को पढ़ा रहे हो, उसका एक अलग रेट होता है, या फिर आप एक प्रोफेसर के अप्रेंटिस हो या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा काम कर रहे हो तो उसका अलग रेट होता है। भाई उसमें मिनिमम आपको 45 प्लस रेट मिलता है एनी डे। तो हमारे कैंपस में जहाँ हम रहते थे वहाँ पे एक बंदा था, बाहर तो मेरे को ये बंदा कभी काम करते दिखता नहीं था, हम इससे पूछते भाई तू करता गया, पूरे हफ्ते घर में दिखता है, वो कहता भाई मैं हार्डली जाता हूँ 2 या 3 घंटे यूनी में काम करने के लिए। फिर हमने उसके जॉब के बारे में पूछा, वो एक्चुअली एक डेटाबेस की क्लास लेता था, अप्रेंटिस था हमारा, डेटाबेस की क्लास लेता था सिर्फ 12 बंदों की, भाई उसका रेट मिलता था $50 पर आवर, 3 घंटे की क्लास ली $150 बन गया इजीली, पूरे दिन पे वो कुछ भी करे। तो भाई इस जॉब के वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ये है, आपने यूनी में 2 साल काम करा, यूनी में अगर आप अच्छा काम करोगे तो भाई यूनी वाले आपको खुद ही जॉब लगाते हैं, आप अपनी साइड से रेफरेंस देते हैं बड़ी कंपनी में। उसके साथ भी यही हुआ, उसकी डिग्री खत्म होती भाई विद इन 1 मंथ उसको हाईएस्ट पेइंग जॉब मिल गई एक बड़ी कंपनी में, और आई थिंक मैं अगर सही कैलकुलेशन बिठा रहा हूँ उसका अगले साल तक हो जाएगा PR अपने दम पे, वन ऑफ द फास्टेस्ट PR जो पार्ट तो मैंने अभी यहाँ पे देखा हिस्ट्री में इतनी जल्दी भाई, 2 अभी डिग्री खत्म हुई है, जॉब भी कर रहा है वो, इंडिया होके भी आ गया, अच्छा खासा फ्लैट उसने ऑलरेडी रहना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक ऐसी जॉब है, जॉब बिल्कुल सर्च करना, क्योंकि अगर मान लो आपके पास IT की बहुत ज़्यादा नॉलेज है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, भाई आपने प्रोफेसर से बात करो, वो आपको क्या पता रिकमेंड करते हैं जॉब के लिए।